तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी का ऑफिशियल ट्रेलर, जिसमें स्टार कर रहे हैं आलिया भट्ट और साथ में हैं अजय देवगन। दोस्तों सो वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। 25 फरवरी को ये मूवी आ रही है, काफी जल्दी है। अभी तक इसका रिलेटेड आई थिंक एक टीजर आउट हुआ था, जबरदस्त टीजर था, और इसका ट्रेलर आउट हो रहा है। काफी लंबा ट्रेलर है, 3 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। सो बिना किसी ये फर्दर डिस्कशन के आई थिंक ट्रेलर शुरू करते हैं, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। Here we go. Okay. Nice. काफी सोना चांदी है भाई, साथ में दारू भी। क्या बात है आलिया भट्ट जी, she is looking amazing. फुल स्वैग है भाई साहब इस मूवी में तो। आलिया बढ़िया बढ़िया मजा आ गया। क्या बात है, क्या पावरफुल लाइंस। ये तो देखी देखी लग रही है। विजय राजा भाई साहब, बोथ आर अमेजिंग एक्टर्स। क्या बात है, फाइनली अजय देवगन। Nice man, पावर पैक लाइन से। सही है यार, डायलॉग्स बहुत पावरफुल है, मजा आएगा। डीप एंडिंग लाइन्स वही सब। आलिया भट्ट तो मान गए भाई, फुल ऑन कैरेक्टर गंगूबाई। मार्क कैसा है, लाइक की नजर ना लगे तो ज्यादा ही व्हाइट लग रही है या पता नहीं व्हाइट गेटअप में। हाँ, ऑल टाइम इसलिए ऐसा लग रहा है, जबरदस्त भाई इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस। और आलिया भट्ट से जो है वो ये उम्मीद भी थी, बिकॉज जब से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया यार, हर एक के मूवी में जो है वो इम्प्रेस करती जा रही है। और बहुत ज्यादा अलग अलग रोल्स उन्होंने निभाए, वर्सटाइल बिल्कुल उनकी एक्टिंग रही है, डिफरेंट तरह के रोल्स। और इस मूवी में आप देख सकते हैं, जिसको शक है आलिया भट्ट की एक्टिंग पे वो डेफिनेटली जो है, किसी को शक नहीं है, शक डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बट कुछ हेटर्स जरूर होते हैं आलिया भट्ट के, एंड उनको ये डेफिनेटली ये मूवी देखनी चाहिए। आई थिंक कि फैब में इससे बढ़िया मूवी कोई नहीं मिलेगी देखने वाली गंगूबाई, बिकॉज आलिया भट्ट की एक तरफ परफॉर्मेंस, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं हर मूवी में, और दूसरी तरफ जो है वो संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन कोई डाउट नहीं कर सकता कि वो कोई खराब या कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। यस, इट हैज टू बी परफेक्ट, एकदम बढ़िया यार। जिस तरह से वो लग रही है, जिस तरह की डायरेक्शन है इस मूवी में आप देख सकते हैं, एंड सिनेमेटोग्राफी भी देखी है आप, और बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार। डायलॉग्स भी बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज्यादा डीप है, और जिस हिसाब से बोले हैं
बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है देखने में। ओवरऑल इनका कैरेक्टर काफी एंजॉयबल है, काफी मजेदार है, एंड फनी मोमेंट्स की बात परफॉर्मेंस की बात की जाए और परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत ज्यादा बढ़िया नजर आ रही है। इस तरह का रोल आई थिंक उन्होंने नहीं किया और एक्सपेक्ट भी नहीं होगा कि इस तरह का रोल वो कभी अपने लाइफ में करेंगे, बट डेफिनेटली ये रोल उनको मिला और उन्होंने यार क्या परफॉर्मेंस दी है। तो बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो भी बेहतरीन चुने इन्होंने, आई मीन फुल ऑन एक्टर्स परफॉर्मर्स एकदम, तो ये लाइक सपोर्टिंग कास्ट के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होने वाली है, इंटेंस मूवी। और साथ में बात करें अजय देवगन की, तो भाई साहब इनकी आई थिंक अजय देवगन का कैमियो है इस मूवी में, आई डोंट नो, बट जिस तरह से ट्रेलर देख के लग रहा है कि एक शॉर्ट थोड़ा सा सीन है, तो आई थिंक आई पर्सनली फील लाइक ही ज्यादा होने वाला है, बट लेट्स सी, क्योंकि कैमियो होता तो आई डोंट थिंक वो टाइटल में मेंशन करते हैं, आई मीन आलिया भट्ट के साथ अजय देवगन, क्योंकि जो कैमियोज देते हैं छोटे मोटे उनको मेंशन तो नहीं किया जाता टाइटल्स में, टाइटल्स में तो लाइक वही होता है जो मेन थोड़ा बड़ा रोल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना मेन नहीं हो सकता कि वो इनको ओवर शैडो कर सके, इट्स ऑल अबाउट आलिया भट्ट, इट्स अ सोलो मूवी आई थिंक, एंड बट अजय देवगन के साथ जो है वो ये आई थिंक ज्यादा सॉलिड जो है वो लग रही है, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में आर 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 में भी तो है, आर आर तो है ही नहीं है ना, बट आ तो नहीं है, आई नहीं है, उसके लिए भी वेट बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली मजा आ गया, मजा आ गया आलिया भट्ट को देख के आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, इनका जो हमने देखा था लॉन्च इवेंट ब्रह्मास्त्र उसमें देखा था आलिया भट्ट को, एंड उसके बाद जो है वो अब देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली आ रहा है आलिया भट्ट जो है वो जिस तरह से इम्प्रूव कर रही है उनके बारे में क्या कहेंगे, एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस है, बिल्कुल। खैर आपको यही कहना चाहेंगे कि इसके सॉन्ग्स वगैरह आउट करो, क्योंकि मूवी जस्ट अबाउट टू रिलीज है, सॉन्ग्स वगैरह आउट करो ताकि मूवी के बारे में और पता चले और देखने को मिले। संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज टू बी ग्रैंड, यू नो, एंड सच अ परफेक्ट, सो सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छे होंगे, उन्हीं का ही वेट है। तब तक के लिए स्पेशल मेंशन जो इन्होंने लास्ट में डायलॉग बोला कि आंख झुका के नहीं आजाद मैदान में, जो मैंने भाषण दिया वैसे करके कुछ लाइन्स थी, एंड उसमें जिस तरह से वो देख रही हैं विदाउट मतलब ब्लिंक किए हुए, तो एकदम वहां से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है कि यार कितनी सॉलिड परफॉर्मेंस देने की कोशिश है उनकी, और वैसी ही उन्होंने डिलीवर की है, ट्रेलर को देख के लग रहा है, बाकी तो मूवी देख के पता चलेगा। आई होप आपको भी पसंद आया, अगर पसंद आया तो यार डेफिनेटली इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारा रिएक्शन अगर आपको पसंद आया, और अगर ट्रेलर के बारे में आपके कुछ व्यूज हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं आप। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।